हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों की राह देख रहे युवाओं को लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार झटके दे रही है। अब इस बीच सरकार की ओर से जारी नए आदेश भी किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बीते 2 साल से खाली चल रहे सभी सरकारी पदों को खत्म कर दिया है। सरकार के वित्त विभाग की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में 2 साल से जितने भी पद नहीं भरे गए हैं उन पर अब कोई भर्ती नहीं होगी। इन पदों को अब खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से ऐसे आदेश सभी विभागों को भेजे गए हैं। बता दें हिमाचल प्रदेश में 1,70,000 पदों का बैकलॉग चल रहा था। ऐसे में करीब 40% पद इस आदेश के तहत आए हैं और अब इन पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी। उन्होंने अपने आदेश में 2012 में जारी हुए एक पत्र का भी हवाला दिया है। आपको बता दें देवेश कुमार ने अपने आदेशों में लिखा है कि 14 अगस्त 2012 के दिशा निर्देशों के अनुसार अब ताजा आदेशों के विभाग अनुपालना नहीं कर रहे हैं, न ही वित्त विभाग को ब्यौरा दिया जा रहा है। प्रधान सचिव वित्त ने साफ कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अब 2 साल या इससे अधिक समय से खाली चल रहे स्थायी या नियमित पदों को खत्म कर दिया है। ऐसे में अब संबंधित विभाग 1 हफ्ते के समय में सभी पदों को बजट बुक से हटवा दें और इससे सख्ती से पालना की जाए। हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक के चलते सुक्खू सरकार ने हमीरपुर चयन बोर्ड को खत्म कर दिया था। ऐसे में शुरुआती 1 साल में भर्तियां लटक गई थी। 15 महीने बाद सरकार ने नया आयोग बनाया और कुछ भर्तियां की। हालांकि यह कोई नया मामला नहीं है। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार लगातार नौकरी देने के मुद्दे पर घिरी रहती है। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।